पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, 9 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। लिखा है श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज़ 90,000, उन्होंने 90,000 रुपये से व्यवसाय शुरू किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है, यहाँ ना कैश लिखा ना बैंक लिखा या क्या लेकर के आए हैं, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो उसे हम क्या एज्यूम करते हैं, उन्होंने कैश से अपना व्यवसाय शुरू किया है, ठीक। अब हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया, वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। आज हम लोग इसी का क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री। यहां लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हाँ श्री गणेश जी, उनके बिजनेस की बुक में एंट्री होगी, ध्यान देना है, उनकी पर्सनल बुक में एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये उनका पर्सनल अकाउंट नहीं है। यहाँ पर जब हम जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले डेट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर पर्टिकुलर बनाते हैं, ठीक। इसके बाद लेजर फोलियो बनाते हैं, फिर हम यहाँ पर DR लिखते हैं और यहाँ पर CR लिखते हैं। हम लोगों ने पीछे एक रूल भी पढ़ा है जर्नल एंट्री करने का, याद है या भूल गया है? हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था, असेट एक्सपेंस और लॉस, इसको एक ग्रुप में लिखा था। ये जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू रेवेन्यू और अगला इनकम या प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये जब इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ध्यान से सुनना है, बहुत सी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें लोगों के मन में बहुत बात तक बनी रहती हैं, इसलिए, लेकिन ये ध्यान से अभी सुन रहे हैं, इसके बाद भूल जाएंगे, क्वेश्चन ही भूल जाएंगे कि क्या कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है डेट, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है, वो वाली डेट लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजैक्शन तो एक तारीख को हुआ था और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको 10 तारीख को, तो कब की डेट लिखूँगा, तो ट्रांजैक्शन की डेट लिखता हूँ। ये ध्यान रहे, डेट कौन सी लिखेंगे, ट्रांजैक्शन डेट। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, CA फाउंडेशन या पहले CPT हुआ करता था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे चार ऑप्शन मान लो दे दिया, तो पूछेगा कि जर्नल जो बनाया जाता है वो एनालिसिस होता है, या 3-4 पॉइंट दे देगा और एक दे देगा क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो ये कैसे होता है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब होता है, इसकी दूसरी इंग्लिश क्या है, डेट वाइज। वो पूछ ले क्रोनोलॉजिकल होता है कि ग्रुप वाइज होता है कि समराइज होता है, तो हमको क्या ध्यान देना है, हमें लिखना है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। कोई भी चीज़ अगर ऐसे, कोई भी चीज़ अगर ऐसे आती है तो यहाँ ध्यान देना, डेट अगर डेट वाइज लिखी जा रही वही है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। ये बात समझ में आई? तो ये जो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख रखा है, इसको मैं डेट मान लेता हूँ, अगस्त की डेट मान लेता हूँ, ठीक। अब मैं डेट लिखने के लिए, मान लीजिए ये है 2
2022। ठीक, अब मैंने इसको लिख दिया अगस्त 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब है टू, या मैं अगस्त लिख दूँ, 1, 2, 3 लिख दूँ, जैसे भी डेट लिखना आपको, डेट कौन सी स्टाइल में लिखते हो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/8/2022, जिस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो जो आपको डेट की स्टाइल सही लगती। मैं डेट की लिखने की स्टाइल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये आता है कि आप कैसे लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ही लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब एक मन में डर लगेगा, क्या डर लगेगा, मान लो कोई एंट्री छूट गई तो उसकी आगे व्यवस्था बताई गई, अगर छूट जाती तो क्या करते हैं, वो बाद में लिख देते हैं, डेट लिख लेंगे वो, ठीक है, मतलब इससे परेशान होना नहीं, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बोला इसलिए है, मन में प्रश्न आएगा जिसके, वो सोचता रहेगा अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, छूट जाएगी तो उसकी व्यवस्था दी गई है आगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर है, LF है, डेबिट है, क्रेडिट है, ध्यान देना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, मैं या कौन सा हमारे फेवर में है, कौन सा अनफेवर में। CA इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है, डेबिट एंड क्रेडिट डजंट मीन्स फेवरेबल आर अनफेवरेबल। मैडम ने पढ़ाया नहीं होगा, गारंटी है, 100% गारंटी लेके कहता हूँ, या बताया है क्या डेबिट और क्रेडिट का मतलब, बताया है तो जवाब है नहीं बताया है, और बताया हो तो बता दीजिए। ठीक है, बोल ऐसे में लाइव बोल रहा हूँ ना, वो तो ज़्यादातर जगहों पे ही पढ़ाया जाता है, ये मैं जानता हूँ, सी एक बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, बहुत से मैडम और सर से पढ़ के आए होते हैं, इसलिए मुझे कहने में डर नहीं लगता है। तो ये मैडम ने नहीं पढ़ाया है। अब मैं फिर से आता हूँ, मैं आज कितना पढ़ा पाऊँगा मुझे आइडिया नहीं, मैं 9 जनरल एंट्री करा पाऊँगा या नहीं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन आगे स्पीड बढ़ेगी, आज देर लगेगा। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, ये डेबिट, अब मैं अभी बता रहा हूँ, अब मैं पहले चलता हूँ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग अगर मैं कहूँ तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था पीछे किसी क्लास में, और अगर नहीं किया है तो फिर से सुन लीजिए, अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है, ये व्यवसाय की भाषा, जो ये भाषा पढ़ के जाएगा वो तुरंत जैसे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में देखेगा, अच्छा ये हुआ है, अभी मैं बताऊंगा कैसे वो पढ़ेगा भाषा को। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो एक इंडिकेटर है आपके लिए, समझने के लिए, मतलब कहीं अगर असेट डेबिट लिखी हुई तो आपके मन में क्या विचार आएगा, ये असेट आई है, सर यहाँ तो आपने आई है ये नहीं लिखा, हाँ ये नहीं लिखा, बढ़ने का मतलब क्या है, असेट आएगी तभी तो बढ़ेगा, उस व्यवसाय में उस बिजनेस में असेट आई है तभी तो बढ़ेगा। तो ठीक, आपको ये तो समझ में आएगा ना कि असेट इंक्रीज हुई, ये तो समझ जाएंगे। अब अगर असेट क्रेडिट, असेट के आगे क्रेडिट लिखा है, वो क्रेडिट आप पढ़ रहे हैं तो उससे क्या समझेंगे, असेट डिक्रीज हुई है, तो यही समझना हमको, इससे अधिक नहीं समझना है, बात समझ में आ रही है ना। तो सी इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है, डेबिट एंड क्रेडिट डजंट मीन्स फेवरेबल आर अनफेवरेबल। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसी भी किताब में लिखा है, आप एकदम बेधड़क कह सकते हैं, दिस डजंट मीन्स फेवरेबल अनफेवरेबल। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट के संबंध में पूछता, जैसे असेट डेबिट लिखी है ये अच्छी बात है, असेट आई है, ध्यान से समझिएगा, और असेट कम हुई है इसका मतलब है कि खराब बात है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के संबंध में हमको ये समझ में आ सकती है। लेकिन सिंगल डेबिट एंड क्रेडिट डजंट मीन्स फेवरेबल आर अनफेवरेबल। अब जैसे लाइबिलिटी डेबिट है, तो क्या हुआ है, लाइबिलिटी डेबिट का मतलब है लाइबिलिटी कम हुई है, ये अच्छी बात है, भाई मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी थी डिक्रीज हो गई है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन असेट अगर डेबिट हुई है तो अच्छी बात है, नहीं, हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप, नहीं इसको लिखना नहीं है कहीं, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये कतई नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कोई कुतर करते हुए आपसे पूछ सकता, तो ये आप यहाँ मतलब केस टू केस वाइज सोच सकते हैं, बाकी इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ना ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलहाल अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है जहाँ तक मैंने देखा है। तो डेबिट क्रेडिट डजंट मीन्स फेवरेबल अनफेवरेबल,
बात समझ में आ रही है। अगला सवाल, अब अभी हम चलते हैं, तो इससे क्या है, ये एक भाषा है जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो मैं एंट्री करूँगा, इससे मुझे क्या समझ में आएगा, एक भाषा है ये, व्यवसाय की भाषा। जब हम इस भाषा को पढ़ेंगे तो उससे एक मीनिंगफुल वो निकल करके आता है। पूरा तो हमको समझ में आएगा जब मैं बैलेंस शीट बना लूँगा, मतलब जब 11th का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये शुरुआत में एक प्राइमरी बुक की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये शुरू में, इसको सब्सिडरी बुक बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। जर्नल क्या होती है, सब्सिडरी बुक होती है, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सब्सिडरी बुक वो होती है जहाँ पर हम अपने ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड वो डेबिट या क्रेडिट के रूप में अभी हो रहा है, बाकी आगे चलेंगे फिर बताएंगे रिकॉर्ड और भी किसी तरीके से होता है। तो अब हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैश, कैश क्या है, असेट है, इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर कैपिटल क्या है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो रूल यहाँ पर मैंने देखा, असेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कैश, असेट नहीं लिखेंगे, उसका पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। असेट तो ग्रुप का नाम है ना, अच्छा अगर मैं असेट लिख लूँ तो फिर सभी असेट में लिखता चला जाऊँगा तो मुझे पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं पता चलेगी। तो मैंने लिख दिया कैश, इसके आगे लगाते हैं अकाउंट। ध्यान देना, अकाउंट लिखेंगे कैसे, कैपिटल ए आबलिक स्मॉल सी, आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा होगा। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मैंने CMA की बुक में और CS की बुक में पढ़ा हुआ है, उन्होंने अकाउंट को यूं लिखा है, ये तरीका गलत है। CA इंस्टीट्यूट ने सही लिखा है, ये है, आपकी बुक में कैसे लिखा है, आई हैव नो आइडिया, वो देख लेना। तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, फिर आबलिक लगेगा, फिर सी लगेगा, और फिर यहाँ पर हम आएंगे डेबिट लिखेंगे। ये लिखने की स्टाइल है, अभी आप छोटे बच्चे हैं ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर आप बड़े हो जाएंगे थोड़ा इधर उधर भी चलता है। तो ऐसे लिखेंगे, फिर ये डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट वाले कॉलम में 90,000 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम लिखेंगे किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को, किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना। ध्यान देना, जिसको क्रेडिट करना होता है उसके आगे यहाँ आते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, टू लगाते हैं, किसी के आगे टू लगा है मतलब वो वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना है, 90,000। इतने में अगर डाउट है तो पूछिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन से समझना, ये चैप्टर हमारा रिकग्निशन का चैप्टर है, हम रिकग्नाइज करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, पहचान करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पहचान करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये पहचान करना होगा मैं किस क्लास को और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। अभी मैं अकाउंट की क्लास में मैथ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे नरेशन। नरेशन होता क्या है, जो आपने ऊपर किया है, क्यों किया है, वही यहाँ पर नीचे नरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई ओनर, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पर्टिकुलर का कॉलम पूरा हुआ, ठीक है। क्या यहाँ ये बीइंग कैपिटल है, आपकी बुक में ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता, बाकी मैं लिख इसको दूसरी भी तरीके से सकता हूँ, लेकिन आप इसी शब्द का प्रयोग करना। 11th में प्रॉब्लम ये है कि अभी ये नहीं लिखा तो कहीं नंबर ना काट लें, इसका डर बहुत होता, तो मार्क्स भी लाने हैं।
तो बी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। अब इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हो, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज़ 90,000 इन कैश बाय द ओनर। ये नहीं कि एकदम ऐसे ही रट के लिखा जा सकता, तो इसको छोटा बड़ा थोड़ा सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, इतने में कहीं डाउट है तो पूछिए। तो यहाँ पर हमने पहले ट्रांजेक्शन कर दिया, अब लिखा है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब गुड्स परचेज किया जा रहा है तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कैश घट रहा है। स्टॉक क्या है, असेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, स्टॉक नहीं, स्टॉक अकाउंट में लिख तो सकता हूँ, प्रैक्टिकली लिखा भी जाता है व्यवसाय में, लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में इसको परचेज नाम से डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आप क्लास 11th और CA फाउंडेशन की तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो इसको परचेज लिखेंगे, समझ में बात आ रही है, स्टॉक नाम नहीं देंगे इसका, परचेज लिखेंगे, परचेजेज लिखते हैं, बल्कि प्लूरल नंबर में लिखते हैं, क्योंकि बार बार परचेज होती रहती है इसलिए उसको परचेजेज अकाउंट का नाम दिया गया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 और टू कैश, कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, यहाँ बताइए, इस रूल को बताइए, जो पढ़ लिया है वो दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि असेट डिक्रीज हो रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है, ये बताना सीखिए, अभी जा रहे हैं आ रहे हैं चक्कर में ना काम हो जाएगा, ये रूल है, रूल लगाइए, आदत छोड़ दीजिए रटने वाली, ठीक है ना, हर एंट्री पर रूल लगाना है। अब मैंने कैश क्यों डेबिट किया तो ये बताइए, क्योंकि कैश इंक्रीज हुई है, और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई, रूल लिखा इसीलिए मैंने, मैं एंट्री के साथ में रूल लिखता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर 20,000 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड वर्थ रुपीज 20,000 इन कैश, इस पर फिर एक लाइन खींच दिया मैंने, ठीक, कोई डाउट, इसकी डेट लिखना मैं भूल गया, अगस्त 2, ठीक है। अब हम तीसरे पर आते हैं, तीसरा क्या था, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ, एंट्री क्या करेंगे, फिर वही कर लेंगे, बताना तो कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूँ फटाफट से, परचेजेज अकाउंट डेबिट, जल्दी से लिख दो ना, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, टू कैश, ठीक से ही लिख देता हूँ। परचेज, अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे चलते हैं, परचेजेज गुड्स वर्थ रुपीस 10,000, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, तो हम देख रहे हैं यहाँ, ढूंढ रहे हैं, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ लिखा नहीं है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तब हम क्या चेक करते हैं, अगर नाम दिया है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या वो कैश या क्रेडिट लिखा हुआ है, अगर हाँ तो वो करते हैं, अगर नहीं लिखा है तब हम चेक करते हैं नाम दिया है, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ नाम दिया है तो उधार है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ पहले चेक करते हैं कि उसमें क्या कोई इंडिकेशन दिया गया है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है, अगर हाँ तो वो करते हैं, अगर नहीं कुछ लिखा गया है तब मुझे ये देखना होता है। मैं इतना फोकस इस पर क्यों कर रहा हूँ, छोटी सी बात को
ये 9 लाइनें लेकर के हम लोग कितनी कितनी डिस्कशन कर चुके हैं, उसका रीज़न है, मैंने ऑब्जर्व किया है। लोग सीए फाइनल में पहुंच गए, उनको ये पता नहीं, रट लिए हैं, रट करके आया आदमी भूल गया। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को नहीं आता, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो क्लियर कट, तो फिर हम अगस्त 3, ठीक, अगस्त 3 को क्या करना है, गुड्स खरीदा, मतलब गुड्स आया, गुड्स इंक्रीज हुआ, तो गुड्स का नाम यहाँ पर क्या लिखा गया है, परचेज लिखा गया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से, ठीक। और क्रेडिट किसको करना है, कैश बढ़ रहा, कैश बाहर जा रहा, मतलब असेट डिक्रीज हो रही। कैश किस में आता है, असेट में, असेट डिक्रीज होती क्या होती, डेबिट, क्रेडिट होती है, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर 10,000। नरेशन लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैश, ठीक, ठीक है। अगस्त 3 को हो गया, 4 को फिर लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम मोहन। क्या एक क्लियर कट लिखा है, ये क्रेडिट है क्या कैश पर, नहीं लिखा है। अब हम क्या चेक करते हैं, नाम है तो इसका मतलब उधार है, किससे उधार है, मोहन से। तो अब देखना अगस्त 4 लिख देते हैं यहाँ पर, परचेजेस तो डेबिट होगा ही, इसका लॉजिक तो मुझे बताना नहीं है, कि बताना है डेबिट, ठीक, कितने से हुआ, 50,000। टू किसको करना है, अब यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, ध्यान दे, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, मतलब कुछ भी बनेगा तो बढ़ेगा। लाइबिलिटी क्या है, यू हैव टू पे इन फ्यूचर, तो हम यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ध्यान देना, एक मिनट लिखना नहीं अभी, रुक जाना। मैंने क्या किया, क्रेडिट लाइबिलिटी पढ़ाया है, कि अगर लाइबिलिटी क्या है, यू हैव टू पे इन फ्यूचर, जो आपको भविष्य में पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही, लेकिन अभी मोहन से किया, फिर सोहन से किया, फिर ए से किया, फिर वी से किया, और मैं लाइबिलिटी लिखता जाऊँगा तो क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से परचेज किया है उसके नाम को यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये मैं जान सकता हूँ ना किससे खरीदा है। टू मोहन अकाउंट लिख दें, नहीं, ध्यान देना ये नहीं लिखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है तो वहाँ पर अकाउंट शब्द नहीं जोड़ा जाता, अगर जोड़ना है तो फिर क्या लिखेंगे, मोहन अपॉस्ट्रॉफी कामा लगा के एस और अकाउंट लिख सकते हैं। मोहन अकाउंट नहीं होता, मोहन से अकाउंट हो सकता है, बात समझ में आ रही है या डाउट है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम यहाँ लिखेंगे तो अकाउंट, बाकी कोई भी जब अकाउंट यूज करेंगे तो वहाँ पर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने लिख दिया 50,000 क्रेडिट, यहाँ हमने लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इतना समझ लेना, मैंने लिख दिया ऑन क्रेडिट, बोल दिया है, समझ लो लिख गया। आगे चलते हैं, एक बात, एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, मैंने डेट तो भर दिया, पर्टिकुलर भी भर दिया, डेबिट का कॉलम भी भर दिया, क्रेडिट का कॉलम भी भर दिया, एलएफ क्यों नहीं भरा। मन में अपने आप से प्रश्न आना चाहिए, गलती तुम लोगों की नहीं है, कभी सर और मैडम ने पूछने ही नहीं दिया बच्चों को, पूछोगे तो दिक्कत है, ये बात उन्हें भी आनी चाहिए, मतलब सिर्फ यहीं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत से ही पूछने ना दो, कुछ पूछना चाहिए, ठीक है। ये पूछना चाहिए कि हम इस कॉलम को क्यों बना रहे हैं भाई, हम इतनी देर से किसी ने नहीं पूछा कि क्यों बनाया गया, ये अनायास में बन गया, एक कॉलम है बस ऐसे है, जी नहीं, इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत मैं तब समझाऊँगा जब ये
हम लोग लेज़र पोस्टिंग करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम लोग क्या करेंगे लेज़र पोस्टिंग, सीए इंस्टीट्यूट में सीपीटी के पेपर में ये सवाल कई बार पूछा गया, सीए फाउंडेशन में भी पूछा गया। क्या पूछा गया है कि लेज़र जर्नल का कौन सा कॉलम है जो जर्नल इंट्री करते हुए फिल नहीं किया जाता है। यहाँ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, अगर ये सवाल मन में आता तो पूछा होता किसी ने, क्वेश्चन ही मन में नहीं उठता। अरे क्वेश्चन उठना चाहिए मन में, मैं बार बार इसीलिए प्रोवोक करता हूँ क्वेश्चन उठे। ये जब हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो लेज़र का पन्ना नंबर यहाँ लिखते हैं, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है जब मैं पेज नंबर लिख दूंगा मीन्स इस एंट्री की पोस्टिंग लेज़र में हो गई है, और जब तक पेज नंबर यहाँ नहीं लिखा जाए, लेज़र फोलियो क्या होता है, लेज़र के किस पन्ने पर ये अकाउंट लिखा गया है, कैश अकाउंट लेज़र के किस पन्ने पर। अब लेज़र क्या है, जैसे आप बैंक में जाते हो अपने नाम का जब वहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, वो कहाँ से होता, उसके लेज़र से प्रिंट होता। अभी मैं लेज़र पर फ़िलहाल जाना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कह के मैं वापस लौट आता हूँ, चूँकि अभी हमने एकदम शुरुआत में बस चार जर्नल इंट्री पढ़ाया है तो मैं बहुत आगे जाऊँगा तो दिक्कत होगी। अब 5 अगस्त को मैं चलता हूँ, फिर लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट या कैश? अब मुझे नाम नहीं देखना है, ध्यान देना है, नाम नहीं देखना है। नाम कब देखना है, जब स्पष्ट ना बताया गया हो कि ट्रांजेक्शन कैसी है, मतलब कैसी का मतलब उधार है या नगद है, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ये इंट्री बता रहा हूँ, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट को जनरल इंट्री से जोड़ नहीं रहा हूँ। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, किसी भी टीचर ने 11th 12th में पढ़ाया होगा वो कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ देगा तो इनाम देंगे हम, ये मेरा चैलेंज है। वीडियो पड़ेगी तो सुना देना अपने टीचर को और पूछ लेना, कॉन्सेप्ट जोड़ के दिखा दें। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही तो है, नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये रूल है, दोनों में अंतर करना सीखो। मैं ऐसे क्यों बताता हूँ, उसका रीज़न है कि मन में बैठ जाएगी बात। मतलब कॉन्सेप्ट तो 4 महीने पढ़ा के छोड़ दिया है, और अभी मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ाया नहीं, वो कॉन्सेप्ट 4 पढ़ाए थे ना शुरुआत में, क्या था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी, कई नामों से जाना जाता, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, कुछ इस तरीके से मैंने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। एंट्री में अभी कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है, सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था एक बार, क्या पूछा था, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किस कॉन्सेप्ट से होता है, ध्यान दे, कॉन्सेप्ट भी लगता है, रूल और कॉन्सेप्ट अलग अलग लोग कंबाइंड कर देते हैं। ये रूल अभी तो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा रूल पढ़ा लूँ फिर मैं कॉन्सेप्ट जोड़ के दिखाऊँगा कैसे कॉन्सेप्ट लगता है। और जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे तो इंट्री करने में कभी डर नहीं लगेगा, कोई भी आपसे कहेगा और आपने इंट्री लिख दिया तो फिर आप ये मानेंगे कि सही है गलत नहीं है, मैडम कहें चाहे सर कहें। अब 5 तारीख को जैसे मैंने कहा ना आपको, इतना मुझे लगता है मैं सिखा ले गया हूँ कि आपको नाम कब देखना है, ठीक है। अब बच्चे क्या पढ़ के आते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, तो कहते हैं जब नाम के साथ में कैश दिया होता है तो नाम नहीं लिखते, ये गलत तरीका है। नाम के साथ कैश नहीं देखना है, ध्यान, पहले क्या देखना, ये तरीका ही गलत और कन्फ्यूज हैं हम। मुझे देखना है कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन, अगर नहीं बताया गया है तो अकाउंटिंग के एजम्पशन लेते हैं, ये अकाउंटिंग के एजम्पशन है जो मैं बता रहा हूँ। तब वो कहता है अगर स्पष्ट नहीं है तो नाम दिया है तो उधार मान लेना, और अगर नाम नहीं दिया है तो कैश मान लेना। अब मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, अब मैं अनायास में एक ही बात पक पक कब तक करता रहूँगा। तो मैं अब लिख सकता हूँ क्या, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक, कितने से, 30,000 टू सोहन, हाँ जब कैश ट्रांजेक्शन है तो सोहन क्यों लिखेंगे, बोलो, रूल से बताओ ना, रूल में क्या है, कैश डिक्रीज हो रहा मींस असेट डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट, और परचेजेज असेट इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट। इस पर भी एक झगड़ा है, इस पर तो कई राइटर्स का भी झगड़ा है, कुछ लोग परचेज को खर्चा मानते हैं और कुछ लोग परचेज को असेट मानते हैं, ये भी एक झगड़े का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से परचेज
इज नॉट एक्सपेंस अकाउंट, परचेज इज अ स्टॉक और स्टॉक सदैव असेट होती हैं। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते हो तो परचेज को खर्चे में अगर मान लेते हो तो फिर कैपिटल से माइनस कर देना चाहिए। कोई भी टीचर अगर आपको ये बताता और कहता किताब में लिखा हुआ है तो कहना कि आपने रूल पढ़ाया था कैपिटल में से खर्चे को घटाया जाता है, तो परचेज की वैल्यू को खर्चे में से आप घटाते क्यों नहीं है, क्या वहाँ रूल नहीं लगता? मैं बता रहा हूँ ना डिस्कस करने के लिए, गलत तो नहीं है ना। अगर परचेज इज एक्सपेंस दैट शुड बी क्या कहते हैं डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, क्लियर है ना। अगर वो खर्चा है तो कैपिटल से माइनस होना चाहिए। जब अकाउंटिंग मैं इसीलिए बता रहा हूँ, हर जगहों से जोड़ के बता रहा हूँ, चूँकि बहुत से राइटर्स ने भी परचेज को खर्चा और इवन न्याय तक की एक जगह सीए की सीपीटी वाली बुक में भी खर्चा लिखा हुआ था इसको, बाकी जगहों पर तो सही था, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। कभी कभी होता क्या है कॉपी करने के चक्कर में गलत हो जाता है ना। तो परचेज क्या है, परचेज असेट है भाई, आप समझिए। हम अब इतना बता दिया, फिर आगे फिर से डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। बहुत डिटेल हो जाएगी तो कन्फ्यूज़न होगा। बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड कैश, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया अपना सब, मैंने बोल पूरा दिया है। देखो नरेशन में एक बार लिख रहा हूँ, नरेशन में बार बार नहीं लिखूँगा, इसके बाद मैं इंट्री पढ़ाऊँगा। नरेशन लिखना आप लोगों का काम है, जिसको समझ में नहीं जहाँ नरेशन फंसे वहाँ पूछ लेना, ठीक है। सिक्स नंबर, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। क्या किया है, गुड्स कितने का खरीदा है, 40 का। तो अब मैं फटाफट से लिख सकता हूँ अगस्त 6, ठीक है। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से, और क्रेडिट किसको करना है, 2। अब क्रेडिट लिखा गया ऑन क्रेडिट, अब मैंने शुरू किया क्रेडिट है तो फिलहाल लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी अब हम ढूंढने चले लेकिन मिल नहीं रही है। अब मुझे स्पेसिफिक जाना होता है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक जाना, लेकिन नाम तो मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं उस समय क्रेडिटर को क्रेडिट कर, 2 क्या करेंगे क्रेडिटर, ठीक है, 40,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नरेशन, ठीक। सातवें नंबर पर क्या है, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज 40,000, कास्ट प्राइस 30,000। क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड, गुड्स बिका है हमारा, कितने का बिका है, 40 का। कितने की इसकी कास्ट प्राइस थी, 30,000। तो हमको इंट्री करते हुए कास्ट प्राइस नहीं लिखना होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट है, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि गोज आउट होता है, ध्यान देना गोज आउट सिर्फ 30,000 रुपये की वैल्यू का होता है। हमारा कितने का गुड्स बाहर जा रहा, 30,000 का, लेकिन हम बेच कितने में रहे, 40 में, तो मतलब 10,000 का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। ये दोनों मिला करके रेवेन्यू का रूप लेते हैं, तो मुझे गोज आउट नहीं इसमें समझ में आता है। गोज आउट तो गुड्स का हो रहा और गुड्स की वैल्यू क्या है, 30,000, तो मैं 40,000 का गोज आउट कैसे कर दूंगा। कोई सामान में 30,000 का ले आया तो उसको जब मैं गोज आउट करूंगा तो 30,000 की ही तो वैल्यू रहेगी। हाँ, उसमें जो मैंने 10,000 का प्रॉफिट जोड़ा तो उसे कहते हैं रेवेन्यू, बात समझ में आ रही। तो मैंने क्या किया, 2 सेल्स लिख लिया। अब आप कहोगे पहले आपने सेल्स क्यों लिख लिया, मेरी आदत है जो मुझे पहले समझ में आता मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। तो मुझे पहले मैंने सेल को समझाया तो सेल को क्रेडिट कर दिया, डेबिट के लिए जगह छोड़ दिया है। अब वर्थ रुपीज 40,000 कैश ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट, कैश हुआ, साफ शब्दों में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश आया है, कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट आया है, नहीं रूल यहाँ से बताओ, मैं बता के पागल हो जा रहा हूँ और कैश आया कह के दिमाग फ्यूज, असेट इंक्रीज हो रही है, मतलब कैश आएगा तो असेट इंक्रीज होगी। और सेल क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मैंने रेवेन्यू की डिफिनीशन पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था भूल गया होगा, पक्का है।
रेवेन्यू की डिफिनीशन पढ़ाई थी रिसीव्ड आर रिसीवेबल, अब रहने दो भी मत बताओ, मैंने पढ़ाया था रिसीव्ड आर रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग सर्विसेज और कुछ और इस तरीके से डिविडेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट से जो मिलता है वो ये बताया था। फिलहाल अभी हमको वहाँ नहीं जाना है। अगस्त 7 ठीक 8 को 8 तारीख को क्या हो रहा, गुड्स वर्थ ₹50,000 सोल्ड, 50,000 रुपये का गुड्स बेच दिया गया। ठीक कितने का गुड्स बिका, 50,000 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट कितने से, 50,000 से। डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट होगा सेल्स, ये तो मुझे पता चल गया। अब डेबिट में मुझे सोचना है क्या डेबिट करेंगे बताइए, 8 नंबर पे कैश। बहुत सोच के सवाल, जवाब तो सही है लेकिन इतना, हाँ इतना सोचने का मतलब है कि कन्फ्यूजन है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000। ठीक इसके बाद पेड सैलरी टू ए, ए को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो सैलरीज लिखा जाता है, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। और जब सैलरी का पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, और कैश जा रहा मतलब असेट डिक्रीज हो रही है, तो टू कैश। ये जा रहा है जो है वो मैं रूल वाला नहीं बोलता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी मैंने बगैर लाइन खींचे कर दिया है, बात समझ में आ रही है। ये अगस्त 9 का है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है ना, यहाँ देखना, यहाँ से समझना इसको, यहाँ से 3 तक तो शायद हमने ये कर लिया है। ये 10,000 रुपये, यहाँ देखना, असेट कैश, कैश असेट इंक्रीज़ हुई इसलिए डेबिट किया, कैपिटल इंक्रीज़ हुई इसलिए क्रेडिट किया। रूल में लिख रहा हूँ, मतलब रूल कहीं लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए है। परचेजेस क्या है हमारा, असेट इंक्रीज़ हुई और कैश असेट है डिक्रीज़ हुआ। फिर परचेजेस क्या है, असेट इंक्रीज़ हुई और यहाँ असेट डिक्रीज़ हुआ। परचेजेस क्या है, असेट इंक्रीज़ हुआ। मोहन क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। परचेजेस क्या है, असेट इंक्रीज़ हुई और कैश क्या है, असेट डिक्रीज़ हुई। यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, बाकी मैं पूरा समझा चुका हूँ, मैं तो सिर्फ एक रूल लिख रहा हूँ। परचेजेस में असेट इंक्रीज़ और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज़। कैश में असेट इंक्रीज़ और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़, कैश असेट इंक्रीज़ रेवेन्यू इंक्रीज़। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस असेट, हर चीज़ एक्सपेंस इंक्रीज और ये असेट डिक्रीज। ठीक है एक और बात बतानी है, यहाँ देखो 90,000 इधर इंक्रीज किया तो 90 इधर इंक्रीज किया था। ठीक अकाउंटिंग क्वेश्चन इक्वल रहा। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, असेट 20,000 की डिक्रीज और 20,000 की इंक्रीज, इसी तरफ दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो गया, जीरो हो गया, इक्वल टू के इधर नहीं गया। यही इक्वेशन है तभी टैली करता है। यहाँ देखो 50,000 क्या था, ये 10,000 तीसरे नंबर पर क्या था, परचेजेस गुड्स वर्थ, स्टॉक बढ़ा था और कैश घटा था, ये भी जीरो हो गया। सिंगल साइड है तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज, और देखो डुअल्स अगर इफेक्ट था तो एक डायरेक्शन में काम होता है, और अगर सिर्फ एक ही साइड होता है तो एक बढ़ता एक घटता है। मतलब अगर हमारी एसेट बढ़ रही थी या तो दूसरी एसेट डिक्रीज होगी या दूसरी साइड में जाएगा, कहाँ पर, कैपिटल या लाइबिलिटी इंक्रीज। अगर सेम साइड रहेगा तो कुछ डिक्रीज होगा कुछ इंक्रीज होगा, अगर दूसरी साइड जाएगा तो इंक्रीज अगर है तो वहाँ भी इंक्रीज, डिक्रीज है तो यहाँ भी। अब देखो जैसे यहाँ पर 30,000 इंक्रीज और 30,000 डिक्रीज, यहाँ पर 50,000 इधर इंक्रीज तो 50,000 इधर इंक्रीज। बात समझ में आ रही ना, ये एनालाइज करना और अगर डाउट होगा तो पूछना। 40,000 यहाँ इंक्रीज तो 40,000 यहाँ इंक्रीज। अब यहाँ पर 40 इंक्रीज और 30 डिक्रीज, बात नहीं बनी, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। 10,000 ज़्यादा इंक्रीज है तो यहाँ भी 10,000 इंक्रीज है। इंक्रीज डिक्रीज
का ध्यान रखना है। अभी इतना बाकी एनालिसिस आप लोग खुद कर लेना, इतना करके फिर बताना कि क्या डाउट है, क्या समझ में आया है।